Now, next topic is limits of trigonometric function. इसमें एक थ्योरम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1. इसमें जो एंगल है वो टेंडिंग टू 0 है और ये सेम है. अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x रहेगा, अगर यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ भी 2x रहेगा, अगर यहाँ y रहेगा यहाँ भी y रहेगा, तब ये 1 के बराबर होगा. एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा बाय 3 थीटा, इसका वैल्यू निकालना है. लिमिट लगा हुआ है, ये 0 बाय 0 फॉर्म का है. इफ यू पुट थीटा इक्वल टू 0 सो दिस इज साइन 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0 सो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म. तो 0 बाय 0 फॉर्म में लिमिट अभी नहीं यूज करेंगे. तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने पहले बताया इसको सेम रखना है तभी ये 1 होगा. यहाँ कितना है 2 थीटा, तो नीचे पे 2 थीटा होना चाहिए. तो डिवाइडिंग बाय 2 थीटा एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 थीटा और ये 3 थीटा यहाँ रखा गया है. अब ये 1 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, साइन x बाय इक्वल टू 1, ये साइन 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है, थीटा टेंस टू 0 तो दिस इज 1 इंटू 2 बाय 3, 2 बाय 3 टेंस, वेरी सिंपल. नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय साइन bx, ये साइन ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय x एंड मल्टीप्लाइंग बाय ax, ये 1 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में भी देखिए साइन bx, साइन bx डिवाइडिंग बाय bx एंड मल्टीप्लाइंग बाय bx, ये 1 हो जाएगा. तो 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 इंटू बी तो दिस इज ए बाय बी, ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x बाय x स्क्वायर. इफ यू पुट x इक्वल टू 0 1 माइनस cos 0, cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0, यह लिमिट लगा रहेगा, इसका वैल्यू नहीं रखा जाएगा, वैल्यू रखने पर 0 बाय 0 आ रहा है. व्हाट इज 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x, फिर ये 0 बाय 0 है. इफ वी पुट x इक्वल टू 0 तो 0 बाय 0, तो इसके लिमिट में रहने देंगे, नहीं पुट करेंगे अभी. तो दिस इज गोइंग टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2. अब यहाँ पे एंगल x है, नीचे भी x चाहिए, तो साइन x बाई x, ये साइन स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 2, ये हो गया साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये सेट कर लिया. तो दिस इज 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इज द आंसर. फोर्थ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x by pi minus x. This is x minus pi by 2. If you put x equal to pi by 2, ये कितना आ जाएगा, 0 बाय 0 आ जाएगा. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0. लिमिट तो यहाँ पर लिमिट का वैल्यू 0 होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इसमें लिमिट हमेशा 0 होना चाहिए. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1, सो लिमिट मस्ट बी 0. हियर द फंक्शन इज ट्रिगोनोमेट्रिक बट लिमिट इज नॉट 0. इसको 0 में कैसे लाएंगे, यहाँ पुट किया जाएगा x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच या प्लस एच, जो भी रखना चाहे रखते हैं, पाई बाय 2 माइनस एच और पाई बाय 2 प्लस एच, तो मान ले पाई बाय 2 प्लस एच रख दिया. एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 x टेंड्स टू 0, नाउ दिस लिमिट बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0
यहाँ कितना हो जाएगा टेन टू, एक्स कितना है फाइव बाई टू प्लस एच डिवाइडेड बाई, एक्स कितना है अभी फाइव बाई टू प्लस एच माइनस फाइव बाई टू, फाइव बाई टू फाइव कैंसिल, अभी कितना हो जाएगा तो टू से इंटू कर दीजिए लिमिट एच टेन टू जीरो टेन टू इंटू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा फाइव तो फाइव प्लस ये जाएगा टू एच टेन फाइव बाई टेन फाइव प्लस टू एच डिवाइडेड बाई एच, अभी भी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, जीरो बाई जीरो फॉर्म, जब तक ये नहीं हट जाता नीचे वाला डिनोमिनेटर तब तक वो जीरो बाई जीरो फॉर्म रहेगा। व्हाट इज टेन फाइव प्लस टू एच, टेन फाइव प्लस टू एच टेन टू एच, टेन डिवाइडेड बाई एच, अब ये टू एच नीचे पे टू एच चाहिए, ये टू एच है यहाँ भी टू एच रहेगा तब ये जीरो होगा, इसको भी यहाँ टू एच कर देंगे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ये जो वन वन इंटू टू दिस इज टू इज द आंसर। ये फॉर्मूला टेन इंटर में याद करता है लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन, एक्स शुड बी सेम एंगल शुड बी सेम, एक्स तो एक्स टू एक्स तो टू एक्स, एक्स बाय टू तो यहाँ भी एक्स बाय टू नहीं रहेगा तो बना देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये इसका आंसर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दीज आर द क्वेश्चन अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा समझ में आया होगा, इसको एक बार फिर से देख लेंगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू।